नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में आज से कुछ अगले जो दिन हैं दोस्तों, वो हम हरियाणा के जो सियासी कुनबे हैं उनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आप अगर हरियाणा की राजनीति को देखते समझते हैं तो 5 सियासी कुनबे हरियाणा में ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पर राज करते रहे हैं। चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, हुड्डा परिवार और राव वीरेंद्र सिंह जी का जो परिवार है वो हरियाणा की राजनीति में लगातार चुने जाते वो रहे हैं। और ये इस बात का साफ प्रतीक है कि जनता ने हरियाणा में कभी भी परिवारवाद की जो राजनीति है उससे उसको कोई परेशानी नहीं हुई। चौधरी देवीलाल जी की 4थी पीढ़ी, भजनलाल जी और बंसीलाल जी की 3री पीढ़ी आज हरियाणा विधानसभा में है और राव वीरेंद्र सिंह जी के परिवार की 3री पीढ़ी 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। खुद को वंशवादी राजनीति का धुर विरोधी बताने वाली भाजपा भी हरियाणा में वंशवाद की सबसे बड़ी जो बेल है वो चौधरी देवीलाल की 4थी पीढ़ी के साथ मिलकर राज कर रही है। प्रदेश की करीबन 1/4 सीटें हरियाणा के इन राज परिवारों के कब्जे में है, या यूं कह सकते हैं कि इनके लिए ये आरक्षित हो चुकी हैं। इन 4-5 जो राज परिवार हैं इनमें से कितने ही छोटे मोटे ऐसे परिवार हैं जो एक तरह से अपने चुनावी क्षेत्र को अपने लिए आरक्षित करवा चुके हैं इनसे अलग। और हालात यह है कि कोई पहली बार सांसद या विधायक हमारे प्रदेश में बनता है तो धीरे धीरे उनके बच्चे भी भाई साहब और बहन जी हो जाते हैं और इन नेताओं के जो चमचे हैं, समर्थक हैं, वो उनके बच्चों को भी उतना ही अधिमान देते हैं और धीरे धीरे करके उनको भी नेता ही बना देते हैं और 5-10 साल में ये भी विधायक या सांसद बनकर अपनी पेंशन पक्की करवा लेते हैं। हरियाणा की राजनीति में स्थापित इन राज परिवारों के अलावा दूसरे राजनीतिक परिवारों पर अगर बात करें तो मान साहब का एक परिवार होता था, जिंदल परिवार, कांडा परिवार, बढ़ाना परिवार, सुरजेवाला परिवार, शाह परिवार, केहरवाला परिवार, कैप्टन रणजीत सिंह का परिवार, चौधरी सूरजमल खांडेवाला का परिवार, सरदार हरपाल सिंह का परिवार, चौधरी लहरी सिंह का परिवार, चौधरी रिजक राम का परिवार, चौधरी दल सिंह का परिवार, पंडित चिरंजी लाल का परिवार, रामधारी गोड़ का परिवार, चौहान परिवार, जोगिंदर जोग का परिवार, अमर सिंह धान का परिवार, चौधरी जगन्नाथ का परिवार, चौधरी गयाराम जी का परिवार, ऐसे दर्जन भर नेता ऐसे प्रदेश में हैं जो खुद नेता बनने के बाद अपने परिवार को, लोगों को राजनीति में लाए, उनको सफल करवाया या सफलता की तैयारी में हैं। कुछ को सफलता मिल चुकी है, जिनको नहीं मिली है उनको देर सवेर जनता सफल बना ही देगी, ऐसा इन नेताओं को भी विश्वास होगा। और इन सबकी सीटों के बाद जो खुरचन बसती है उस पर आम आदमी विधानसभा या संसद में जाने का सपना देख सकता है, लेकिन ये राह बहुत मुश्किल है क्योंकि ना तो आम आदमी संसाधनों के मुकाबले इन राज परिवारों के सामने कहीं टिक पाता है, ना ये राज परिवार उनको स्थापित होने देते हैं, क्योंकि अगर आम आदमी नेता बन गया तो फिर राज परिवारों को पूछेगा कौन। और हरियाणा के अगर सियासी घरानों की कहानी को जानने की बहुत इसमें गहराई से खुदाई की जाए तो चोई छोटराम की राजनीति के साथ ही हरियाणा में परिवार की राजनीति शुरू हो गई थी। 1920 में संयुक्त पंजाब के जो पहले चुनाव हुए थे वो तो दलीय आधार पर नहीं हुए, लेकिन 1923 के चुनाव में जो यूनियनिस्ट पार्टी और स्वराज पार्टी मैदान में थी, अब चूंकि दल थे तो नेता भी होने थे और इसी समय से राजनेताओं की पहली खेप हरियाणा में वजूद में आई और इनमें से कई के सियासी कुनबे हरियाणा की राजनीति में आज तक सक्रिय हैं। आने वाले समय में ये फिर और बढ़ते गए और इस खेप में चौधरी छोटूराम जी का, चौधरी लालचंद जी का, चौधरी माथुराम जी का, पंडित श्रीराम शर्मा जी का, राव बलबीर सिंह जी का, राय बहादुर बंस गोपाल जी का, राव मोहर सिंह जी का, मोहम्मद यासिन खां सरीखे नेताओं के परिवार फिर आगे राजनीति में आए। जैसे जैसे चुनावी राजनीति जवान होती गई वैसे वैसे नेताओं की संख्या भी बढ़ती चली गई। 1937 और फिर 1946 के चुनाव के बाद तो हरियाणा में नेताओं की एक बाढ़ आ गई और इनमें से कई नेताओं की आज 4थी और 3री पीढ़ी राजनीति में सक्रिय है। किसान मसीहा छोटराम की अगर बात की जाए तो उनका कोई बेटा नहीं था और बहुत लोग उनको बेटे के लिए विवाह करने के लिए कहते भी थे, लेकिन उनका कहना था कि हर किसान जमींदार का बेटा मेरा ही बेटा है, उनको कोई पुत्र मोह नहीं रहा। चौधरी छोटराम के निधन के बाद उनकी राजनीति को उनके जो भतीजे हैं चौधरी श्रीचंद होल्याण जी ने आगे बढ़ाया। चौधरी छोटराम के जीते जी ही चौधरी श्रीचंद होल्याण चौधरी साहब के राजनीतिक प्रबंधन को संभालते थे। चौधरी छोटराम जी के निधन के बाद उनकी जो सीट खाली हुई उस पर उपचुनाव हुआ और चौधरी श्रीचंद जी ने वो चुनाव लड़ा और वो पंजाब विधानसभा में पहुंचे।
इसके बाद चौधरी श्रीचंद 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में 3.5 महीने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे और पद पर रहते ही उनका निधन हुआ। चौधरी श्रीचंद के बेटे ने भी एक चुनाव लड़ा लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। चौधरी श्रीचंद जी की बेटी जो हैं बसंती देवी जी, उन्होंने 1982 में हसनगढ़ से लोकदल की टिकट पर वो चुनाव लड़ा, विधायक बनी, लेकिन 1987 में उन्होंने लोकदल अजीत से चुनाव लड़ा। फिर 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। चौधरी छोटूराम जी की जो बेटी हैं भगवानी देवी जी, उनसे भी फिर एक राजनीतिक विरासत आगे बढ़ी। भगवानी देवी जी के जो पति होते थे चौधरी नेकी राम जी, वो बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, पूरा हरियाणा जानता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बाद उनका जो राजनीतिक विरासत है वो उनके बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह के हाथों में है, जो पहले IAS होते थे। इस तरीके से परिवारवाद हरियाणा की राजनीति की शुरुआती जो जड़ें हैं उससे निकला है। और कल से हम एक एक करके चौधरी देवीलाल का परिवार, फिर बंसीलाल जी का, भजनलाल जी का, और ये जितने भी परिवारों के नाम मैंने आपको बताए हैं उनके बारे में तमाम जानकारियां हम हासिल करेंगे 3 बजे के वीडियो में। तो हरियाणा की जो सियासी कुनबों की जो ये यात्रा है इस पे विस्तार से हम कल से जानने की कोशिश करेंगे। एक काम आप जरूर करें दोस्तों कि मेरे से जहाँ जानकारियाँ छूटती हैं इन सियासी कुनबों की जानकारी देते हुए, कि मैं कोई चुनाव छोड़ दूं या मुझे पता ना चला हो, तो आप भी बहुत ज़्यादा जागरूक दर्शक हैं, तो आप भी अपनी जानकारियों को वहाँ ऐड जरूर किया करें। और कोई ऐसा परिवार है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी जानकारी इसमें समाहित करें। तो पॉलिटिक्स ऑफ चौधर का यह सिलसिला चल रहा है, अभी कई दिन और चलेगा। 3 बजे की जो राजनीतिक बातें हैं इसका मकसद ये है दोस्तों कि पॉलिटिकल रूप से हम जागृत हों, और जो आजकल तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें हरियाणा की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो युवा साथियों की भी ये डिमांड थी कि ऐसी जानकारियाँ हमें मिलें जिससे जो एग्जाम में काम आए। तो ये जो सारे वीडियो आप देख रहे हैं इनको देखने के बाद हरियाणा की राजनीति पर शायद ही कोई प्रश्न आपसे छूटता होगा। तो कल से जानेंगे दोस्तों फिर सियासी कुनबों की कहानी, और आप अपनी जानकारियां जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। वीडियो में कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताया करें। आपके सुझाव हमेशा मुझे पढ़कर खुशी होती है और मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।